जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उनकी आज लास्ट डेट है, तो बच्चे काफी परेशान हैं कि अब ये लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है। तो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चे कर पा रहे थे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो अब बच्चे चिंतित हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा, डेट कब तक आगे बढ़ेगी, एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, मेरिट लिस्ट कहां तक जाएगी, किस कोर्स में कहां तक मेरिट लगने वाली है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं यूजी कोर्स में एडमिशन के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें आपका सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में लगती है मेरिट, चाहे वो कॉलेज है या वो कैंपस है। तो अब आपके जो यूजी कोर्सेज के लिए आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एडमिशन में रजिस्ट्रेशन वही का बच्चा कर पाता है जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका होता है, यानी कि जैसे जो बच्चे अपीयरिंग थे उनका रिजल्ट जिनका वेटेड था वो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आज ही डिक्लेयर हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आज ही पोर्टल बंद हो जाएगा। तो कंफर्म है, 100% है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आगे बढ़ेगी, और कम से कम आपका 10 से 15 दिन आपकी डेट आगे बढ़ने वाली है। यानी कि आज यदि हम बात करें 22 जुलाई है, तो आपका मान के चलिएगा 5 अगस्त के आसपास तक आपके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आगे बढ़ेगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 50% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और 50% में आपकी जो सीट होती है वो होती है आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या कोई दूसरा बोर्ड। यानी कि 50% आपका जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में वो होता है आपका यूपी बोर्ड, और 50% में अदर बोर्ड। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट काफी टाइम पहले आ चुका था, तो उनके रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो कोर्स में आपके हुए हैं बीए बीएससी बीकॉम में, सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्स है बीबीए बीसीए और उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डाउन है, बीए एलएलबी तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है। अब इसके बाद में आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट बंद हो जाएगी, जैसे डेट आगे बढ़ेगी उसके बाद में लगेगी मेरिट, और मेरिट इस बार काफी अच्छी जाने वाली है। आप बिल्कुल भी आप ये देख लीजिएगा जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वहां पर काफी अच्छी फाइट होने वाली है मेरिट मान के चलिएगा। यदि हम बीए की बात करें तो बीए में आपका लगभग 65-70 से ऊपर ही मेरिट रहेगी लास्ट, यानी कि आपकी 80 के आसपास से शुरू होगी और आपका 65-70 बिल्कुल लास्ट होगा। और इसके बाद में यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के काफी सारे जो आपके सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, सिर्फ अंतर होता है फीस का, यानी कि फीस वहां पर थोड़ी सी ज्यादा होगी। एग्जाम फीस सभी के लिए सेम कर दी गई है, एग्जाम फीस अब बहुत कम रहने वाली है, तो बस वहां पर थोड़ा सा अंतर रहेगा आपका जो आपकी फीस का। तो यदि आपको गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ आप जा सकते हैं। और यदि आपको आपने 12th इसी बार किया है या आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने एक स्कीम चलाई है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आपको आपको मान के चलिए 100% तक आपका अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है सक्षम एजुकेशन की तरफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग, और सक्षम एजुकेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको अलग मिलेगी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।